नमस्कार। उत्तराखंड विज्ञान शिक्षा अनुसंधान केंद्र में आपका स्वागत है। हम लोगों का एक कार्यक्रम है जिसके माध्यम से हम जो व्याख्यान हैं उन विभिन्न व्याख्यान को हम उसका इलेक्ट्रॉनिफिकेशन करके उनका ई कंटेंट जनरेट करना चाहते हैं, और इसके लिए हमारे विभिन्न विषय विशेषज्ञ पूरे जो राज्य से हैं और राष्ट्रीय स्तर के वैज्ञानिक हैं उनको हम यहाँ पर आमंत्रित करते हैं। उनके द्वारा ये व्याख्यान लिए जा रहे हैं, और इसका अभिप्राय यह है कि ये इस प्रदेश के कोने कोने में हम विद्यार्थियों के पास ले जा सकें, ताकि ये चाहे मोबाइल के माध्यम से हो, चाहे उनके हैंडहेल्ड डिवाइसेज में हो, कंप्यूटर्स में हो, ये उसको देख भी सकें और इसके द्वारा विज्ञान के प्रति अभिरुचि जागृत हो सके। मैं आपका बहुत स्वागत करता हूँ। अब हम बात करते हैं एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन का सेकंड पार्ट, जो अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से है। तो अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का जो पहला पार्ट है वो है आपका एल्कीन। तो एल्कीन्स बेसिकली अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के अंदर आता है। इसमें जो है कार्बन कार्बन के बीच में मल्टीपल बॉन्ड, जैसे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है, तो उसको हम बेसिकली बोल रहे हैं एल्कीन्स। तो एल्कीन का भी अपना क्या होता है, जनरल फार्मूला होता है। तो हम ये कहते हैं कि एल्कीन का एक जनरल फार्मूला है जिसको CnH2n से हम रिप्रेजेंट करते हैं, जहाँ पे n जो है नंबर ऑफ कार्बन एटम को रिप्रेजेंट करता है। नाउ वी सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ n। अब n की जो वैल्यू होगी बेसिकली यहाँ पे वो 2, 3, 4, 5 ऐसे नंबर ऑफ n तक हम इसको ले सकते हैं। इसलिए कार्बन नंबर 2 से शुरू करें, बिकॉज कार्बन कार्बन के बीच में आपको डबल बॉन्ड करना है। अब हम सबसे पहले n की वैल्यू पुट आउट करते हैं। सपोज n इज इक्वल टू, जब आप 2 वैल्यू पुट आउट करोगे तो एक मेंबर यहाँ पे आपको मिल रहा है एल्कीन का, C2H2 × 2, इट मीन्स C2H4। तो दिस इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्कीन्स जिसको आप बोलते हैं इथीन, क्योंकि यहाँ पर एक सफिक्स हम यूज करते हैं इथीन, ENE सफिक्स। ENE सफिक्स इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही है यहाँ पे। नाउ ऐसे N की वैल्यू को अगर आप 3 पुट आउट करते हैं तो एक मेंबर यहाँ पर आपको मिलता है C3H2 × 3, इट मीन्स C3H6। C3H6 इज द सेकेंड मेंबर ऑफ एल्कीन। ऐसे आप N की वैल्यू को अगर फर्दर सब्स्टिट्यूट करोगे तो एल्कीन्स के बहुत सारे मेंबर्स आपको यहाँ पे मिलेंगे। तो इसमें भी क्या होता है कि एवरी 2 एडजेसेंट मेंबर्स के बीच में एक फिक्स डिफरेंस होता है CH2 का, और CH2 के फिक्स डिफरेंस के बेसिस पे पूरी की पूरी एक सीरीज आपको मिलती है, और उस सीरीज को आप बोल देते हैं होमोलोगस सीरीज। तो इसको हम बोलते हैं एल्केन की होमोलोगस सीरीज। नाउ अब हम बात करते हैं एल्कीन्स के नोमेनक्लेचर की, कैसे हम एल्कीन्स को नॉमिनेट करते हैं। नाउ नोमेनक्लेचर ऑफ एल्कीन। Nomenclature of alkenes. तो alkenes का जब हम nomenclature करते हैं तो हम ये देखते हैं कि जब भी आप किसी organic compound का nomination करते हैं तो उसके दो तरीके से name हम लिख सकते हैं। एक तो उसका common name होता है और एक होता है उसका IUPAC name। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं common name की, common name, और एक होगा आपका IUPAC name. जो सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर है ये इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर हम इसको बोलते हैं, क्योंकि कॉमन नेम का होता है कि जब भी आप किसी कंपाउंड का नॉमिनेशन करते हैं तो किसी कंपाउंड का जब नेम करते हैं तो हर कंडीशन पे या हर कंट्री पे उसका एक अपना अलग नेटिव नेम होता है जिसको एक तरीके से कॉमन नेम बोलते हैं। लेकिन जो IUPAC नोमेनक्लेचर होगा वो पूरा का पूरा जो है ऑल ओवर द वर्ल्ड में उस कंपाउंड का उसका एक सिस्टमेटिक सिस्टम होगा जिसको हम IUPAC सिस्टम बोलते हैं। जैसे एल्कीन का सबसे पहला मेंबर आपने लिया था C2H4। C2H4 लिखने का तरीका ये है आपका CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक। तो इसको एक तरीके से इथीन वर्ड इसको हम बोलते हैं। देखिए जब आप इसका नोमेनक्लेचर करते हैं तो दो कार्बन की चेन है, तो दो कार्बन की चेन को हम बोलते हैं एथ। फिर उसमें हम क्या करते हैं, एक सफिक्स यूज करते हैं ENE, तो एथ प्लस इन दैट इज इथीन। तो इथीन इज द IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड CH2 double bond CH2। ऐसे हम फिर इसका हायर मेंबर पे जाते हैं। सपोज हमारे पास CH2 double bond CH, single bond CH2,
CH3, this is the another member of alkenes. तो यहाँ पर क्या देखिए, जब आप इसका nomenclature करते हैं तो सबसे पहले देखेंगे कि number of carbon कितने हैं आपके, तो 1, 2, 3 carbon की आपकी chain है, तो 3 carbon की chain को हम बोलते हैं generally prop, plus एक suffix हम यूज करते हैं alkene के केस में जिसको आप बोल देते हैं ene suffix यूज करते हैं, क्योंकि जब आप IUPAC nomenclature करते हैं तो सबसे पहले word root को लिखते हैं, word root के बाद suffix आता है, और सफिक्स में भी दो तरीके के सफिक्स, एक प्राइमरी सफिक्स होता है, एक सेकेंडरी सफिक्स होता है, तो प्राइमरी सफिक्स में ये आता है सैचुरेशन एंड अनसैचुरेशन, जिसमें एन इन आइन, एंड सेकेंडरी सफिक्स के अंदर आते हैं फंक्शनल ग्रुप्स। अब यहाँ पर केवल हमारे पास क्या है, प्राइमरी सफिक्स की बात हम करेंगे जिसमें इन एज ए प्राइमरी सफिक्स यूज करता है, तो प्रोपीन इज द IUPAC। अब प्रोपीन में भी क्या है, जो इन डबल बॉन्ड है उसकी पोजीशन को हम मेंशन करेंगे, और मेंशन करने के लिए क्या है, आपने क्या करना है, इस पूरी की पूरी चेन का नंबरिंग करना है कि जहां पे डबल बॉन्ड कहां पे किस पोजीशन पे आपका है। तो हम कार्बन जो नंबरिंग शुरू करेंगे वो डबल बॉन्ड की साइड से करेंगे, क्योंकि डबल बॉन्ड जहां से नियर अबाउट होगा उसको नंबर फर्स्ट देंगे। तो ये फर्स्ट नंबर हो गया, ये सेकेंड नंबर हो गया, एंड दिस इज थर्ड नंबर। अब इन की जो पोजीशन है वो 1 and 2 के बीच में, इसका मतलब 1 के बाद इन आ रहा है, तो इन 1 भी आप कर सकते हैं या 1 इन भी आप लिख सकते हैं। तो फाइनली इसको हम लिख सकते हैं प्रोपीन 1 या 1 प्रोपीन भी हम इसको लिख सकते हैं, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं, प्रोपीन 1 या 1 प्रोपीन। तो दिस इज द IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड। नाउ सेम वे वी हैव लाइक द कंपाउंड इज CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3। सपोज हमारे पास ये कोई एक कंपाउंड है जिसमें कार्बन कार्बन का जो डबल बॉन्ड है वो इन दोनों के बीच में है, और 4 नंबर कार्बन की आपकी चेन है। तो सबसे पहले जब आप इसका नॉमेनक्लेचर देते हैं तो नॉमेनक्लेचर के लिए क्या करना पड़ेगा, आपने सबसे पहले नंबरिंग करनी है। तो नंबरिंग आप कैसे करेंगे, हमने ये कहा कि IUPAC का जो रूल है वो ये कहता है कि ऑलवेज जब भी आप नंबरिंग करते हैं कार्बन चेन में, तो नंबरिंग उस साइड से आप शुरू करेंगे जहां से कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की पोजीशन जो होगी वो नियर अबाउट होगी। अब ये कंपाउंड ऐसा है जिसमें अगर यहां से हम नंबरिंग करते हैं तो 1, 2 के बाद डबल बॉन्ड दिख रहा है, राइट हैंड साइड से अगर हम नंबरिंग करेंगे तो 1, 2 के बाद आपको डबल बॉन्ड दिख रहा है। तो इसका मतलब ये होगा कि डबल बॉन्ड कहीं से भी आप नंबरिंग करें तो डबल बॉन्ड बीच में आ रहा है। तो नंबरिंग सपोज हम कर रहे हैं 1, 2, 3 एंड देन 4, इट मींस 2 के बाद डबल बॉन्ड है, यहां से भी 2 के बाद डबल बॉन्ड। तो सबसे पहले हम इसकी वर्ड रूट लिखेंगे, क्योंकि IUPAC सिस्टम में सबसे पहले वर्ड रूट लिखा जाता है। तो 1, 2, 3, 4 कार्बन की चेन को हम बोल देते हैं एक तरीके से ब्यूट, प्लस अब एक प्राइमरी सफिक्स हम यूज करते हैं, इन एज ए प्राइमरी सफिक्स होगा क्योंकि एल्कीन के लिए इन सफिक्स यूज करते हैं। तो ये हो गया आपका इन, और इन की पोजीशन को भी आपने मेंशन करना है, और इन कितने नंबर के बाद है, 2 के बाद इन है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा इन 2। तो इसको फाइनली हम एक साथ देख देंगे, एक मिनट, 1, 2, 3, 4 कार्बन की चेन है, ब्यूटीन 2, या इसको हम लिख सकते हैं 2 ब्यूटीन, ब्यूटीन 2 बोलिए या ब्यूट 2 इन बोलिए, ये सब एक ही नाम है। इसी तरीके से आप अगर कोई हायर मेंबर होगा तो उसका भी हम क्या कर सकते हैं, इस तरीके से नॉमेनक्लेचर कर सकते हैं। तो ये आपको कहना है कि एल्कीन का जब हम नॉमेनक्लेचर करते हैं तो उसके लिए एक सफिक्स हम यूज करेंगे, ईएनई सफिक्स। तो ये तो है आपका एल्कीन का नॉमेनक्लेचर। अब हम बात करते हैं एल्कीन को प्रिपेयर करने के मेथड्स। नाउ मेथड्स ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन्स, मेथड्स ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन। तो देखिए एल्कीन को बनाने की बहुत सारी विधियां होती हैं, जिसमें सबसे पहला मेथड मैं आपको बता रहा हूं, नंबर एक वो है आपका बाय डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, बाय डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। देखिए जो डिहाइड्रेशन वर्ड है, डिहाइड्रेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ वाटर, H2O का एलिमिनेट होना कहलाता है डिहाइड्रेशन। अब डिहाइड्रेशन किससे होना है, एल्कोहल से। तो हम इस रिएक्शन में क्या करेंगे, कोई एल्कोहल लेंगे और उस एल्कोहल का हम करते हैं डिहाइड्रेशन। अब डिहाइड्रेशन के लिए क्या होता है कि एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, यानी डिहाइड्रेशन ऑलवेज इन द प्रेजेंस ऑफ डिहाइड्रेटिंग एजेंट होगा। डिहाइड्रेटिंग एजेंट में बेसिकली आपका
जैसे आपका H2SO4 एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, ऐसे ही आपका कोई अदर आपका इस तरीके से लुइस एसिड टाइप का कोई मटेरियल होगा, तो ये एसिड जो होते हैं ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट होते हैं। तो यहां पर जब हम इसका डिहाइड्रेशन करेंगे तो कंसेंट्रेटेड H2SO4 को हम यहां पर यूज करेंगे और वो किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे। तो हम करते क्या है, कोई अल्कोहल हमने ले लेना है, अल्कोहल सपोज आपने ले लिया CH3CH2OH, दिस इज एन अल्कोहल एंड दिस इज इथेनॉल या इथाइल अल्कोहल को उसको बोल सकते हैं। तो इथेनॉल का हमने डिहाइड्रेशन करना है और डिहाइड्रेशन के लिए कोई डिहाइड्रेटिंग एजेंट हम यूज करेंगे और डिहाइड्रेटिंग एजेंट पे यहां पर है आपका H2SO4 और इसको किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे हीट करते हैं। तो यहां से क्या होगा, H2O का एलिमिनेशन होगा और H2O के एलिमिनेशन के बाद एक प्रोडक्ट हमको मिलेगा और वो प्रोडक्ट है आपका इथीन प्लस साथ में क्या बार हो गया यहां से H2O। तो दिस इज द डिहाइड्रेशन। अब कैसे डिहाइड्रेशन, डायरेक्ट डिहाइड्रेशन नहीं होता है इसमें, तो डिहाइड्रेशन किस तरीके से हम दिखाते हैं, अब इसकी मैकेनिज्म में जाएंगे। नाउ मैकेनिज्म कैसे डिहाइड्रेशन होता है इसको आपने देखना है। तो मैकेनिज्म में क्या होता है, सबसे पहले स्टेप में जो डिहाइड्रेटिंग एजेंट आपने लिया हुआ है H2SO4, ठीक है, तो ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट H2SO4 को हम क्या करते हैं, डिसोसिएट करते हैं। और H2SO4 जब डिसोसिएट होता है तो ये टूटता है आपका H पॉजिटिव प्लस HSO4 नेगेटिव में, एक H पॉजिटिव बन गया एक HSO4 नेगेटिव, क्योंकि डायरेक्ट डिहाइड्रेशन नहीं होता है अल्कोहल का, ठीक। तो अल्कोहल के डिहाइड्रेशन के लिए इनिशियली हमको क्या करना है, जो डिहाइड्रेटिंग एजेंट आपने लिया है इसका डिसोसिएशन करना है H2SO4 का, और H2SO4 जब डिसोसिएट होता है तो ये टूटता है आपका H पॉजिटिव एंड HSO4 नेगेटिव आयंस में। अब क्या होता है देखिए, इन द सेकंड स्टेप ऑफ द रिएक्शन ये जो H पॉजिटिव आयन फर्स्ट स्टेप में बना, इस H पॉजिटिव आयन को हम रिएक्ट कराते हैं किससे, अल्कोहल का जो मॉलिक्यूल आपने लिया हुआ है रिएक्टेंट। तो अब हमने ये कर लिया कि ये जो CH3CH2OH आपका है, क्योंकि OH क्या होता है ना, ये इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं इसके पास, जिसको लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस H पॉजिटिव की रिएक्शन कराते हैं इस अल्कोहल के मॉलिक्यूल से। अब देखिए H पॉजिटिव क्या है, लुईस एसिड, एक तरीके से इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज हो गया, दिस इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी है। तो सबसे पहले क्या करता है कि ये जो ऑक्सीजन है इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो क्या करता है कि ऑक्सीजन अपना एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा H पॉजिटिव को, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को कंप्लीट करना है इसको। तो यहां से एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसने दे दिया इसको, तो H पॉजिटिव के साथ ये रिएक्शन करके ये बना देगा आपका CH3CH2 देन OH2 और खुद ऑक्सीजन पे चार्ज कैसा आ रहा है, पॉजिटिव। व्हाई, बिकॉज ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है और जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है, जो लेता है उस पर नेगेटिव चार्ज, ऑलरेडी इस पर पॉजिटिव है, नेगेटिव पॉजिटिव मिलके न्यूट्रल हो गया, अब ये बन गया OH2 पॉजिटिव। एंड दिस वेज ये जो OH2 पॉजिटिव बना ये एक गुड लिविंग ग्रुप होता है, दिस इज गुड लिविंग ग्रुप, क्योंकि यहां से ये आसानी से बाहर हो जाएगा, OH इजिली एलिमिनेट नहीं होता, तो पहले OH2 पॉजिटिव के फॉर्म पे जाएगा, तब जाके आपका यहां से फिर क्या होना है H2O का एलिमिनेशन। अब ये OH2 पॉजिटिव बना, ये एक अच्छा लिविंग ग्रुप माना जाता है, तो यहां से ये पूरा का पूरा न्यूट्रल फॉर्म पे क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया। और न्यूट्रल फॉर्म पे एलिमिनेट होने के बाद ये बच गया आपका CH3CH2 पॉजिटिव, ये होता है कार्बोकेटाइन, इसको बोलते हैं कार्बोकेटाइन। तो सबसे पहले यानी सेकेंड स्टेप में क्या होता है, कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन होती है आफ्टर द रिमूवल ऑफ H2O। तो यहां से क्या हुआ, H2O का मॉलिक्यूल बाहर हो गया, तो इसी को डिहाइड्रेशन बोलते हैं, यानी रिमूवल ऑफ H2O। तो H2O तो डिहाइड्रेट हो गया। अब क्या होता है देखिए, अभी हमारा प्रोडक्ट नहीं बना हुआ है, प्रोडक्ट कब बनेगा, तीसरे स्टेप में क्या करते हैं, अब इन द थर्ड स्टेप ऑफ द रिएक्शन जो कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन हुई है, तो CH2, अब देखिए क्या है, मैं क्या करता हूं कि एक जो पॉजिटिव आयन है उसके बगल पे जो हाइड्रोजन है इसको ओपन करके लिख देता हूं, यानी इस कार्बन से एक हाइड्रोजन को आपने ओपन करके लिख दिया। अब क्या होगा इस स्टेप में, यहां से अब हमें इसको न्यूट्रल करना है क्योंकि ये चार्ज स्पीसीज है, तो चार्ज स्पीसीज को न्यूट्रलाइज करने के लिए यहां से हम क्या करते हैं, एच पॉजिटिव को एलिमिनेट करवाते हैं, यानी यहां से एच पॉजिटिव बाहर हो गया, ये जो ये इस कार्बन से जुड़ा हुआ है एच है। तो जैसे ये एलिमिनेट हुआ इस पर चार्ज आ गया क्या, नेगेटिव।
अब एडजेसेंट पोजीशन पे अगर अपोजिट चार्ज होते हैं तो ये आपस में बनाते हैं बॉन्ड, इसका मतलब ये बन गया CH2 डबल बॉन्ड CH2, और यहां से बाहर हो गया आपका H पॉजिटिव, तो हमारा एल्कीन मिल गया, हमको यही बनाना है, यानी एल्कीन की फॉर्मेशन करनी है आपको, CH2 डबल बॉन्ड CH2 आपको मिल गया यहां से, ठीक। तो ये तो प्रोडक्ट बना, और यहां से क्या बाहर हो गया आपका एच पॉजिटिव आयन। अब क्या होता है देखिए, लास्ट स्टेप में, फोर्थ स्टेप में क्या होगा कि जो ये H पॉजिटिव आयन यहां से एलिमिनेट हुआ, ये H पॉजिटिव आयन रिएक्शन करता है फर्स्ट स्टेप में जो HSO4, क्योंकि ये कैटलिस्ट है एक तरीके से, इसको लास्ट में हमको रिएडिटिंग एजेंट को बाहर भी करना होता है, तो HSO4 नेगेटिव से रिएक्शन करके ये अल्टीमेटली लास्ट में बना देता है H2SO4। तो दिस इज डिहाइड्रेटिंग एजेंट H2SO4, एज सच रिएक्शन के लास्ट में क्या हो गया आपका, ये एलिमिनेट हो गया। तो हमको ये देखना है कि जो डिहाइड्रेशन रिएक्शन है अल्कोहल की, ये काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, एंड इट इज कंप्लीटेड इनटू फोर स्टेप। इन द फर्स्ट स्टेप क्या होगा कि जो डिहाइड्रेटिंग एजेंट H2SO4 आपने लिया हुआ है, इसका एलिमिनेशन होगा और ये टूटेगा H पॉजिटिव NHSO4 नेगेटिव में। नाउ इन द सेकंड स्टेप ऑफ द रिएक्शन, जो H पॉजिटिव आयन फर्स्ट स्टेप में एलिमिनेट हुआ है, इसको रिएक्ट कराएंगे हम रिएक्टेंट अल्कोहल के साथ, तो ये डायरेक्टली OH को एलिमिनेट नहीं करता है। इन द फर्स्ट स्टेप यहां पर क्या होगा, OH जो है H पॉजिटिव से रिएक्शन करके OH2 पॉजिटिव बनाता है, बिकॉज OH2 पॉजिटिव इज अ गुड लिविंग ग्रुप, एंड इजिली यहां से H2 बाहर होने के बाद ये बनाता है कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन। एंड जैसे ही कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन बनी आफ्टर दी, फिर इससे H पॉजिटिव आयंस का लिबरेशन होता है, एंड देन एल्कीन की फॉर्मेशन हमको मिलती है, यानी इथीन आपको मिल गया, एंड फाइनली जो H पॉजिटिव यहां से एलिमिनेट हुआ, ये HSO4 नेगेटिव से रिएक्शन करके ये बना देता है H2SO4। तो दिस इज डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, यानी अल्कोहल के डिहाइड्रेशन से आप एल्कीन की फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो दिस इज द फर्स्ट मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन्स। नाउ इन द सेकंड रिएक्शन जो हम जिससे हम किसी एल्कीन की फॉर्मेशन कर सकते हैं, वो है आपका, दिस इज दूसरा मेथड है, बाय डिहाइड्रो हेलोजिनेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड। तो दिस इज द अनदर मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन बाय डिहाइड्रो हेलोजिनेशन। अब देखिए जो डिहाइड्रो हेलोजिनेशन है, इसका मीनिंग क्या होता है, डिहाइड्रो हेलोजिनेशन मीन्स होता है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड HX। तो हाइड्रोजन हैलाइड का रिमूवल होना या रिमूव होना, उसको बोला जाता है डिहाइड्रो हेलोजिनेशन। अब डिहाइड्रो हेलोजिनेशन किसका होना है, एल्काइल हैलाइड्स का। तो ये देखिए, ये जो डिहाइड्रो हेलोजिनेशन होता है एल्काइल हैलाइड का, इसको हम एक और नाम से दे सकते हैं, बाय E1 एलिमिनेशन। देखिए आपने एलिमिनेशन रिएक्शन पढ़ा होगा, E1 एंड E2 एलिमिनेशन, या इसको हम ये कह सकते हैं बाय बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। तो बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन को हम बोलते हैं डिहाइड्रो हेलोजिनेशन, या डिहाइड्रो हेलोजिनेशन को हम एक तरीके से बोल सकते हैं बाय बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। ये बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन के थ्रू आपका यहां पर डिहाइड्रो हेलोजिनेशन होता है किसी एल्काइल हैलाइड का। अब कैसे होता है देखिए, इसमें क्या करेंगे आप, एट फर्स्ट हमारे पास जो रिएक्टिंग मटेरियल है वो है आपका एल्काइल हैलाइड। तो कोई एल्काइल हैलाइड हम लेंगे, सपोज वी हैव अ एल्काइल हैलाइड लाइक CH3CH2Cl, दिस इज क्लोरोइथेन या इथाइल क्लोराइड भी इसको आप बोल सकते हैं, इथाइल क्लोराइड। तो इथाइल क्लोराइड के हम क्या करते हैं, किसी रिएजेंट के साथ रिएक्शन करते हैं, एंड द रिएजेंट इज KOH, सपोज पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और इसको जब हीट करते हैं तो यहां से आपको मिलता है CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस साथ में बाहर होता है आपका HCl एंड अदर वन, क्योंकि बिकॉज ऑफ यहां से हाइड्रोजन हैलाइड को हमने रिमूवल करना है अल्टीमेटली। तो कैसे आपका ये प्रोडक्ट, हमको चाहिए इथीन, ये बनाना है आपको, दिस इज एल्कीन, हमारा एल्कीन बन गया, यानी इथाइल हैलाइड क्लोराइड का हमने क्या किया, किसी रिएजेंट से रिएक्शन किया किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, देन इट गिव्स करस्पॉन्डिंग एल्कीन, और यहां पर जो है इथीन की फॉर्मेशन आपकी हो रही है। अब कैसे ये रिएक्शन प्रोसीड होती है उसको हमने देखना है। नाउ मैकेनिज्म, तो मैकेनिज्म में क्या होता, देखिए जो पूरी की पूरी रिएक्शन है वो कैसे आपकी कंप्लीट होती है, हमने कहा दिस रिएक्शन
takes place by the beta elimination reaction. ये जो पूरी की पूरी प्रोसेस होती है वो बीटा एलिमिनेशन की प्रोसेस होती है. एलिमिनेशन रिएक्शन की दो कैटेगरी होती है, अल्फा एलिमिनेशन एंड बीटा एलिमिनेशन. दिस इज अ बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन. तो बीटा एलिमिनेशन में क्या होता है, देखिए कि आपके पास कोई रिएक्टेंट है CH3. देखिए मैं इसको ओपन करके लिख देता हूं, CH3CH2Cl ये आपका रिएक्टेंट है. इसकी हमने रिएक्शन कर दी किसके साथ, KOH के साथ. तो KOH में क्या होता है कि K पॉजिटिव फॉर्म में होता है और आपका OH नेगेटिव फॉर्म में. ठीक है, अब क्या होता है देखिए, सबसे पहले इससे प्रोडक्ट फॉर्मेशन होनी है क्या, दिस इज ये आपका CH3. तो रिएक्शन में क्या करेंगे, आपका बनना क्या है CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये हमारा प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगी. तो बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, सबसे पहले ये जो KOH है ये डिसोसिएट होगा आपका. तो KOH जब डिसोसिएट होता है तो ये टूट गया किसमें, आपका K पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव. अब देखिए हमने इसको कहा बीटा एलिमिनेशन, क्यों हम इस पूरी रिएक्शन को बीटा एलिमिनेशन बोल रहे हैं, बिकॉज ये जो Cl है इसको बोलते हैं लीविंग ग्रुप. दिस इज लीविंग ग्रुप एंड लीविंग ग्रुप जिस कार्बन पर होता है उसको बोला जाता है अल्फा कार्बन, और उसके बगल वाले कार्बन को हम बोलते हैं आपका बीटा कार्बन. जो ये कार्बन है दिस इज बीटा कार्बन. तो बीटा एलिमिनेशन में क्या होता है, लीविंग ग्रुप तो अल्फा कार्बन से लिबरेट होगा एंड हाइड्रोजन जो है, ये वाला जो हाइड्रोजन है ये आपका बीटा पोजिशन से लिबरेट होता है. तो आपको ये कहना है कि अगर लीविंग ग्रुप अल्फा पोजिशन से लिबरेट होगा और हाइड्रोजन बीटा पोजिशन से एलिमिनेट होगा तो उस रिएक्शन को बोला जाता है बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन. तो यहां पर भी यही होता है कि अल्फा पोजिशन से हाइड्रोजन लिबरेट होगा और बीटा पोजिशन से हैलोजन लिबरेट होगा एंड बीटा पोजिशन से आपका हाइड्रोजन लिबरेट होता है. इसलिए हमने इस पूरी रिएक्शन को बोल दिया बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन. तो इसमें क्या होता है कि सबसे पहले स्टेप में जो KOH है इसका डिसोसिएशन होगा K पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव पे. अब सेकेंड स्टेप में क्या होता है, देखिए ये जो OH पॉजिटिव है OH नेगेटिव है इसकी रिएक्शन हम करते हैं किसके साथ, दिस वन. तो कैसे होगा देखिए, नाउ सेकेंड स्टेप पे जो CH3 है ना इसको हमने खोल के लिख दिया CH2H के टर्म पे, CH3 देन CH2 एंड देन Cl. तो यहां पर क्या होता है ना, सबसे पहले ये जो OH नेगेटिव है ये OH नेगेटिव, अब OH का काम होता है हाइड्रोजन को अपनी ओर अट्रैक्ट करना. अब किस हाइड्रोजन को अट्रैक्ट कर रहा है, जो बीटा पोजीशन पर प्रेजेंट हाइड्रोजन है, और हाइड्रोजन किस फॉर्म में यहां पर निकलना है आपका H पॉजिटिव. तो ये H पॉजिटिव इस OH नेगेटिव के साथ रिएक्शन करके ये तो क्या बना देगा आपका H2O. अब बचा क्या है यहां पे CH2 और कार्बन पे चार्ज आ गया नेगेटिव CH2 एंड देन Cl आपकी जगह पे है. अब क्या होता देखिए, हमारे जो रिएक्शन है उसमें K पॉजिटिव भी प्रेजेंट है. अब क्या करता है ये जो K पॉजिटिव है ये इस Cl नेगेटिव के साथ रिएक्शन करके अब ये बना देगा इतना आपका KCl, यानी यहां से क्या भी बाहर हो रहा है आपका KCl. और जैसे ये Cl नेगेटिव के फॉर्म में बाहर हुआ तो इस कार्बन पर चार्ज आ गया पॉजिटिव. तो अपोजिट चार्ज अगर एडजेसेंट पोजीशन पे होंगे तो यहां पर ये बना देंगे आपका बॉन्ड, यानी हमको मिल गया CH2 डबल बॉन्ड CH2 जो हमने बनाना है. बाकी KCl एक एलिमिनेट हुआ और साथ में क्या बाहर हो गया आपका H2O. तो अल्टीमेटली हमको एल्कीन की फॉर्मेशन होगी और ये पूरी की पूरी जो रिएक्शन होती है वो थ्रू बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन से होती है. तो फर्स्ट स्टेप में आपका KOH का लिबरेशन होना है एंड सेकंड स्टेप में पहले OH रिएक्शन करता है हाइड्रोजन को अपनी ओर अट्रैक्ट करके H2 का लिबरेशन होगा और इससे आपका ये बनना है कार्बेनाइन. देन फाइनली फिर K पॉजिटिव से रिएक्शन करके आपका एल्कीन की फॉर्मेशन होती है. तो दिस इज द अनदर मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन्स. तो इस और ये आपका जो पूरी की पूरी रिएक्शन है इसको बोला जाता है बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन. तो दीज आर द टू इंपॉर्टेंट मेथड्स फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन. तो हमने ये दो एल्कीन को बनाने के मेथड हम आपको बता दिए. अब हम बात करते हैं एल्कीन की प्रॉपर्टीज के बारे में जो काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है. तो कैसे एल्कीन की हम प्रॉपर्टीज को दिखाते हैं ये आपको देखना है. अब देखिए इसके अलावा भी हम एल्कीन को किस तरीके से फॉर्म कर सकते हैं एक आध और मेथड के बारे में जिक्र कर देता हूं, जिसमें एक तरीके से हम बोल सकते हैं कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन. कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन में तो हमने जिक्र करा. अब देखिए जब आप हाइड्रोजनेशन करते हैं तो इसी में एक और टॉपिक आपको मैं बताता हूं जिसको आप दिखाएंगे
सपोज आपके पास कोई एक रिएक्शन है और वो रिएक्शन क्या है, देखिए माना आपके पास कोई एक इस तरीके का अल्कोहल है CH3CHOH CH2 then CH3, दिस इज 2 डिग्री अल्कोहल का हमको डिहाइड्रेशन करना है। अब डिहाइड्रेशन के लिए हमने क्या किया है, कोई डिहाइड्रेटिंग एजेंट लिया हुआ है और डिहाइड्रेटिंग एजेंट माना हमारे पास क्या है, कंसंट्रेटेड H2SO4 टाइप का मॉलिक्यूल, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन पे कैसे हम डिहाइड्रेशन, देखो यहां से दो तरीके के प्रोजेक्ट फॉर्मेशन होती है, एक तो ऐसा प्रोडक्ट आपको मिल सकता है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 एंड देन CH3, दिस इज 1-butene एंड ऑल्सो इट गिव्स अनदर प्रोडक्ट, और वो कैसा आपको मिल सकता है, देखिए CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, दिस इज 2-butene। देखिए एक रिएक्टेंट हमारे पास है जो 2 डिग्री अल्कोहल का मॉलिक्यूल है, इसका हमने डिहाइड्रेशन किया और इसके डिहाइड्रेशन से हमको दो तरीके के प्रोडक्ट मिल गए, एक तो आपका 1-butene फॉर्मेशन हुई, एक 2-butene। तो इनमें क्या होता है, देखिए ये जो 2-butene का मॉलिक्यूल बन रहा है ये आपका मेजर प्रोडक्ट होता है और ये जो प्रोडक्ट है ये आपका माइनर प्रोडक्ट के अंदर आता है। अब देखिए एक मेजर प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो रही है, एक माइनर बन रहा है, क्यों ऐसा होता है, देखिए एक ही रिएक्टेंट से दो तरीके के प्रोडक्ट क्यों बन रहे हैं, देखिए ये जो मेजर प्रोडक्ट बनता है ये अकॉर्डिंग टू बनता है आपका सेंटजेफ रूल एंड दिस प्रोडक्ट इज ऑप्टेड, ये जो 1-butene फॉर्मेशन ये बन रहा है आपका हॉफमैन रूल के अकॉर्डिंग, तो दिस इज हॉफमैन प्रोडक्ट एंड दिस इज सेंटजेफ प्रोडक्ट। अब हम बात करते हैं सेटजेप एंड हॉफमैन रूल क्या कहता है, देखिए हमने कहा कि जो मेजर प्रोडक्ट 2-butene बन रहा है ये सेटजेप रूल के अकॉर्डिंग बन रहा है और ये जो प्रोडक्ट बन रहा है ये हॉफमैन रूल के अकॉर्डिंग बन रहा है। अब देखिए जो सेटजेप रूल है ये कहता है कि ऑलवेज वही एल्कीन मेजर एल्कीन या मोर स्टेबल एल्कीन होगी जो मोर सब्स्टिट्यूटेड, इट मींस अकॉर्डिंग टू सेटजेप रूल मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन्स आर मोर स्टेबल। अब देखिए एल्कीन जहां पर कार्बन कार्बन में कैसा बॉन्ड दिख रहा है आपको, डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड है। अब देखो इससे दो सब्स्टिट्यूशन जुड़ा हुआ है, एक तो यहां से अल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है एक यहां से, इट मींस दिस एल्कीन इज डाई सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन, दिस इज डाई सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन क्योंकि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से दो सब्स्टिट्यूट आपके जुड़े हुए हैं, एक लेफ्ट हैंड साइड से जुड़ा हुआ है एक राइट हैंड साइड से, इट मींस ये डाई सब्स्टिट्यूटेड। अगर इसी का कंपैरिजन इससे करें तो कार्बन कार्बन जहां पर डबल बॉन्ड है वहां से केवल एक सब्स्टिट्यूशन जुड़ा हुआ है CH2CH3 राइट हैंड साइड पे यानी इस एंड पे, तो ये जो एल्कीन है पूरी की पूरी ये है आपका मोनो सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन। मोनो सब्स्टिट्यूटेड क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज एक सब्स्टिट्यूशन इससे जुड़ा हुआ है CH2CH3 टाइप का, दिस इज मोनो सब्स्टिट्यूटेड एंड दिस इज डाई सब्स्टिट्यूटेड। तो सेटजेप रूल ये कहता है कि ऑलवेज जो डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा और जो हॉफमैन ने वो बोलता है कि भाई जो मोनो सब्स्टिट्यूटेड या लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन्स है वो स्टेबल होगा, तो दोनों में ये है। और ऑलवेज एक और आपने फंडामेंटल्स देखना है कि हमेशा वही एल्कीन ज्यादा स्टेबल मानी जाती है जिससे जितना ज्यादा सब्स्टिट्यूशन होगा, यानी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड वाले कार्बन से मोर सब्स्टिट्यूशन जहां पर होगा वो ज्यादा स्टेबल होगी, तो दिस प्रोडक्ट इज अकॉर्डिंग टू सेटजेप रूल एंड दिस प्रोडक्ट इज अकॉर्डिंग टू हॉफमैन रूल। तो ये भी एक डिहाइड्रेशन है अल्कोहल का, लेकिन यहाँ पे दो तरीके के प्रोडक्ट बन रहे हैं, ये सपोज आपका 85% पे प्रोडक्ट बन रहा है, ये केवल आपका 15% पे प्रोडक्ट बनेगा, तो जो ज्यादा मेजोरिटी पे बन रहा है दिस इज मेजर प्रोडक्ट एंड दिस वन इज माइनर प्रोडक्ट एंड दिस प्रोडक्ट इज ऑब्टेन अकॉर्डिंग टू सेटजेप एंड हॉफमैन रूल। तो ये भी एक तरीके से अल्कोहल से एल्कीन बनाने का मेथड है जिसमें अलग अलग टाइप की एल्कीन की हम फॉर्मेशन करते हैं और वो प्रोडक्ट जो है सेटजेप एंड हॉफमैन के अकॉर्डिंग हम उसको दिखाते हैं, ठीक। तो दीज आर दी मेथड्स फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन। अब हम बात करते हैं एल्कीन्स की प्रॉपर्टीज के बारे में। नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन, तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज में, प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन। नाउ फर्स्ट वन केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ
एल्कीन्स। तो देखिए एल्कीन की बहुत सारी केमिकल प्रॉपर्टीज है, कुछ लेबोरेटरीज प्रॉपर्टीज हैं, कुछ आपका इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टीज होंगी। तो कौन कौन सी ऐसी प्रॉपर्टीज एल्कीन की, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। अब देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं एल्कीन्स की प्रॉपर्टीज में रिएक्शन विथ हाइड्रोजन हैलाइड। तो सबसे पहली प्रॉपर्टीज के अंदर है रिएक्शन विथ हाइड्रोजन हैलाइड। हैलाइड, हाइड्रोजन हैलाइड का मतलब हुआ HX, जहां पे X जो है इट इज हैलोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड देन आयोडीन। तो हाइड्रोजन हैलाइड की रिएक्शन आपको एल्कीन से करनी है। तो जब इस रिएक्शन में क्या करेंगे आप, कोई एल्कीन आपको लेनी है, सपोज वी हैव अ एल्कीन लाइक CS2 डबल बॉन्ड CS2, इसकी हम रिएक्शन करने जा रहे हैं किसी हाइड्रोजन हैलाइड से। हाइड्रोजन हैलाइड में आप कुछ भी ले सकते हैं HX में, जहां पे HX हमने ले लिया, X आपका क्लोरीन भी हो सकता है, ब्रोमीन भी हो सकता है एंड आयोडीन भी आपका हो सकता है। तो इसकी जब हम रिएक्शन करते हैं तो रिएक्शन से यहाँ पे बनता है CH3। अब क्या होगा इसमें HX में हाइड्रोजन, तो एक हाइड्रोजन एक कार्बन पे जुड़ेगा और दूसरा जो हैलोजन है वो किसी दूसरे कार्बन पे जुड़ेगा। तो ये बन गया आपका एल्काइल हैलाइड। तो देखिए इस रिएक्शन में क्या हो रहा, देखिए एक तो ये है आपका। अब इसके बाद सपोज एक ऐसा एल्कीन हम ले रहे हैं जहां पे CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, एक ये भी एल्कीन है, ठीक। तो इसकी अगर हम हाइड्रोजन हैलाइड के साथ रिएक्शन करते हैं तो यहां से दो तरीके के प्रोडक्ट आपके बनने की पॉसिबिलिटी होती है। एक ऐसा प्रोडक्ट आपको मिल सकता है CH2X CH2 एंड देन CH3, और एक प्रोडक्ट आपको मिल सकता है जहां पे X जो है हैलोजन वो सेकेंड नंबर के कार्बन पे ऐड करने के बाद ऐसा मिलेगा। तो देखिए इन दोनों प्रोडक्ट में क्या अंतर है, देखिए एक 2 हेलो प्रोपेन बन रहा है और एक 1 हेलो प्रोपेन आपका फॉर्मेशन हो रही है। तो दोनों में अंतर देखिए, इसमें क्या था कि हाइड्रोजन हैलाइड एक पे हैलोजन अटैच हो रहा था, एक पे हाइड्रोजन। देखिए यहां पर जो एल्कीन है ना, इस एल्कीन को हम बोलते हैं सिमेट्रिकल एल्कीन, दिस इज सिमेट्रिकल एल्कीन एंड दिस इज अनसिमेट्रिकल एल्कीन। तो होता है क्या है कि जब भी आप सिमेट्रिकल एल्कीन पे हाइड्रोजन हैलाइड की रिएक्शन करता है तो वहां पर दोनों कार्बन का जो एनवायरनमेंट है वो एक जैसा है, दोनों का नेचर एक जैसा होता है, बिकॉज बोथ आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड। तो यहां पर दोनों कार्बन सिमिलर है इसलिए हमने इसको सिमेट्रिकल एल्कीन बोला। तो सिमेट्रिकल एल्कीन पे जब हम हाइड्रोजन हैलाइड की रिएक्शन करते हैं तो वहां पर कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं होती है कि हाइड्रोजन किस कार्बन पे जुड़ेगा एंड हैलोजन किस कार्बन पे जुड़ेगा, कहीं भी हाइड्रोजन जुड़ सकता है और किसी भी कार्बन पे हैलोजन अटैच हो सकता है। लेकिन अगर यही हाइड्रोजन हैलाइड की रिएक्शन हम किस पे करें, किसी अनसिमेट्रिकल एल्कीन पे करते हैं, तो यहां पर एक स्पेसिफिक कंडीशन होती है कि कब हाइड्रोजन किस पोजीशन पे जुड़ेगा या हैलोजन किस पोजीशन पे आपका जुड़ना है। तो इस कंडीशन पे देखिए एक बार क्या हुआ, ये 1 कार्बन है, ये सेकंड कार्बन है, ये थर्ड कार्बन, तो हैलोजन एक टाइम पे क्या हो रहा है, कार्बन नंबर 1 पे ऐड हो रहा है, तो ये प्रोडक्ट बन रहा है। अगर हैलोजन इसी टाइम पे कार्बन नंबर 2 पे अटैच होगा तो इस टाइम पे ये जो 2 हेलो प्रोपेन बन रहा है। तो दोनों में बड़ा डिफरेंस है, देखिए ये जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन होती है 2 हेलो प्रोपेन, ये बनता है अकॉर्डिंग टू मार्कोनी को प्रोडक्ट। दिस प्रोडक्ट इज नोन एज मार्कोनिको प्रोडक्ट एंड दिस प्रोडक्ट इज ऑब्टेंड अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनी कोफ प्रोडक्ट। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, व्हेन हाइड्रोजन हैलाइड रिएक्ट विद अनसिमेट्रिकल एल्कीन देन दिस टाइम इट गिव्स 2 टाइप्स ऑफ द प्रोडक्ट, 1 इज एंटी मार्कोनिको प्रोडक्ट एंड अनदर 1 इज मार्कोनिको प्रोडक्ट। अब ये होता कैसे है, किस तरीके से मार्कोनिको एंड एंटी मार्कोनिको प्रोडक्ट बनता है, इसकी अब हम बात करते हैं। नाउ एट फर्स्ट मार्कोनिको रूल, अब इसको पढ़ने के लिए सबसे पहले हमको जानना है मार्कोनिको एंड एंटी मार्कोनिको रूल। अब हम बात करते हैं सबसे पहले मार्कोनिको रूल, मार्कोनिको रूल।
तो देखिए जो मार्कोनिकोफ रूल है वो ये कहता है कि ऑलवेज जब भी हम किसी अनसिमेट्रिकल सिमेट्रिकल एल्कीन के केस में मार्कोनिकोफ एंड एंटी मार्कोनिकोफ रूल यूज नहीं करता है, केवल जब भी आपका कोई अनसिमेट्रिकल एल्कीन होगा और उस अनसिमेट्रिकल एल्कीन पे हम हाइड्रोजन हैलाइड की रिएक्शन करते हैं तो उस टाइम पे हम मार्कोनिकोफ एंड एंटी मार्कोनिकोफ रूल को यूज करेंगे। अब देखिए मार्कोनिकोफ रूल क्या कहता है, देखिए व्हेन एनी हाइड्रोजन हैलाइड में हम ले रहे हैं HCl, इसकी हम रिएक्शन कर देते हैं किसी अनसिमेट्रिकल एल्कीन पे। अनसिमेट्रिकल एल्कीन का मतलब ये हुआ CH3, CS डबल बॉन्ड आपका CH2, जहां पर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से अलग ग्रुप या डिफरेंट ग्रुप अटैच होंगे तो उसको बोला जाता है अनसिमेट्रिकल एल्कीन। तो इस अनसिमेट्रिकल एल्कीन पे हम रिएक्शन कराने जा रहे हैं किसकी, हाइड्रोजन हैलाइड की HCl की, ठीक है। तो यहां से एक प्रोडक्ट बन रहा है CH3 CHCl एंड देन CH3 एंड दिस प्रोडक्ट इज ऑब्टेन्ड अप्रोक्सीमेटली 95% पे ये प्रोडक्ट बनता है। और दूसरा एक प्रोडक्ट और बनने की पॉसिबिलिटी इसमें होती है जिसमें जो हैलोजन ग्रुप यानी क्लोरीन ग्रुप जुड़ा होगा वो कार्बन नंबर 1 पे जुड़ा है एंड दिस प्रोडक्ट इज ऑब्टेन्ड ओनली 5% एंड दिस इज अ मेजर प्रोडक्ट एंड दिस इज माइनर प्रोडक्ट। अब ये मेजर प्रोडक्ट जो बन रहा है वो किसके अकॉर्डिंग बन रहा है, इस पूरे प्रोडक्ट को बोलेंगे मार्कोनिकोफ प्रोडक्ट। अब ये प्रोडक्ट बनता कैसे है, अब इसकी हम देखते हैं मैकेनिज्म। नाउ मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन, तो होता क्या है, देखिए जब भी आप मार्कोनिकोफ रूल कहता क्या है सबसे पहले तो ये भी आपको देखना है। देखिए जो हाइड्रोजन हैलाइड है इस हाइड्रोजन हैलाइड में Cl नेगेटिव पार्ट होता है और हाइड्रोजन होता है आपका पॉजिटिव पार्ट। तो मार्कोनिकोफ ये कहते हैं कि ऑलवेज जब आप किसी हाइड्रोजन हैलाइड की किसी एल्कीन पे रिएक्शन कराते हैं तो हाइड्रोजन हैलाइड का जो नेगेटिव पार्ट होगा वो उस अनसिमेट्रिकल एल्कीन के उस कार्बन पे अटैक करेगा जहां पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन की संख्या कम होगी। अब देखिए ये जो अनसिमेट्रिकल एल्कीन है जिसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है ये इसमें इस कार्बन के पास एक हाइड्रोजन है और इस कार्बन के पास दो हाइड्रोजन है, तो जो नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट है Cl नेगेटिव वो इस अनसिमेट्रिकल एल्कीन के उस कार्बन पे जुड़ेगा जिसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम होंगे। इसका मतलब ये जो Cl है वो इस कार्बन पे जुड़ रहा है क्योंकि यहां पर एक हाइड्रोजन है और इसके पास कितने थे हाइड्रोजन आपके, दो हाइड्रोजन है ना। तो नेगेटिव पार्ट ऑलवेज अटैक टू दैट कार्बन ऑफ द अनसिमेट्रिकल एल्कीन व्हिच हैविंग लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, दिस इज अ स्टेटमेंट ऑफ मार्कोनिकोफ रूल। तो इसलिए ये जो प्रोडक्ट है वो 95% पे बन रहा है एंड अनदर जो प्रोडक्ट बनता है वो भी एक पॉसिबिलिटी है 5% पे जिसकी फॉर्मेशन हो रही है। अब बनेगा कैसे, सबसे पहले क्या होगा, ये जो HCl है रिएजेंट ये HCl डिसोसिएट होता है, किसमें टूटेगा H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव पे इन द फर्स्ट स्टेप ऑफ द रिएक्शन मैकेनिज्म। HCl इज डिसोसिएटेड इनटू H पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव आयंस। नाउ इन द सेकंड स्टेप दिस Cl, अब ये जो H पॉजिटिव OH नेगेटिव बना अब ये रिएक्शन करेगा किसके साथ, CH3 सेकंड स्टेप में CH3 CS डबल बॉन्ड CH2 इसके हम रिएक्शन करता है किसके साथ, देखिए अब होगा क्या, सबसे पहले इस पर रिएक्शन करता है H पॉजिटिव प्रोटॉन जिसको H पॉजिटिव आयन बोल रहे हैं। तो H पॉजिटिव कैसे रिएक्शन करता, देखिए अब H पॉजिटिव आना कहां पर है, हमको Cl नेगेटिव तो वहां पर अटैच करना है यानी नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट को उस कार्बन पे अटैच करना है जिस पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन आपके क्या होंगे, लेस नंबर पे। तो Cl नेगेटिव इस पर आएगा तो इस पर चार्ज लाना है आपको पॉजिटिव, तो पॉजिटिव लाने के लिए आप सबसे पहले हम इस बॉन्ड को डिसोसिएट करेंगे। अब बॉन्ड टूटेगा कैसे, इस कार्बन की ओर बॉन्ड को टूटना है क्योंकि यहां पर चार्ज आने हैं पॉजिटिव और इस पर चार्ज आने हैं नेगेटिव। पॉजिटिव इसलिए हम यहां पर ला रहे हैं बिकॉज जो नेगेटिव पार्ट है उसको हमने अटैक कराना है इस पे, अगर इस पॉजिटिव होगा तो ये नेगेटिव वाले को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा और इस CH2 पे चार्ज आ गया नेगेटिव। जैसे ही CH2 पे नेगेटिव चार्ज आया तो ये H पॉजिटिव आयन इस पे रिएक्शन करके ये बना देता है आपका CH3CH और इस पर चार्ज आ गया पॉजिटिव एंड देन CH2 के साथ एक और एच मिलके बन गया CH3। इट मींस यहां पर एक कार्बोकेटाइन बन रहा है और वो कार्बोकेटाइन भी कौन सा है, 2° कार्बोकेटाइन, और इसी को बोलते हैं सेकेंडरी कार्बोकेटाइन।
दिस इज सेकेंडरी कार्बो केटाइन एंड सेकेंडरी कार्बो केटाइन इज मोर स्टेबल इन कंपेयर टू प्राइमरी. अगर इसी के बदले इस कार्बन हाइड्रोजन को अगर हम इस कार्बन पर अटैक करते तो यहां पर जो कार्बो केटाइन मिलता आपका वो इस तरीके का कार्बो केटाइन मिलता CH3 CH2 and then CH2 positive, यानी हाइड्रोजन जब इस कार्बन पे जुड़ रहा है. तो ये जो कार्बो केटाइन है दिस इज वन डिग्री कार्बो केटाइन, वन डिग्री कार्बो केटाइन या प्राइमरी कार्बो केटाइन. और कार्बो केटाइन की स्टेबिलिटी की जब हम बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि थर्ड डिग्री कार्बो केटाइन इज मोर स्टेबल इन कंपेयर टू टू डिग्री एंड देन वन डिग्री, यानी टर्शियरी कार्बो केटाइन इज मोर स्टेबल कार्बो केटाइन ड्यू टू इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से ये होता है. ऐसे सेकेंडरी, अब यहाँ पर एक टू डिग्री कार्बो केटाइन बन रहा है एक वन डिग्री कार्बो केटाइन, तो ज्यादा स्टेबल जो कार्बो केटाइन होगा वो ज्यादा स्टेबल प्रोडक्ट हो जाएगा. तो इसलिए यहां से जो प्रोडक्ट बनेगा, अब क्या होता है सेकेंड स्टेप में, जैसे ही कार्बो केटाइन बना ये फर्स्ट स्टेप की केस है, ये सेकेंड स्टेप की रिएक्शन है. नाउ द थर्ड स्टेप ऑफ द रिएक्शन, जो कार्बो केटाइन बना हुआ है टू डिग्री कार्बो केटाइन जिससे हमने ये प्रोडक्ट फॉर्मेशन कर दी है, अब उसको हम लेंगे, उसमें क्या होगा देखिए CH3 CH पॉजिटिव एंड देन CH3. अब हम इसकी रिएक्शन करते हैं किसके साथ आपका CL negative के साथ. तो अब क्या होगा देखिए, ये जो CL negative है ये अटैक करता है आपका इस कार्बन पे जिस पर पॉजिटिव चार्ज है, और यहां से क्या बन गया आपका CH3 CHCl and then CH3, ये बन गया 2-chloropropane, यही हमारा प्रोडक्ट है. तो ये जो प्रोडक्ट बन रहा है वो किसके अकॉर्डिंग बन रहा है आपका, अकॉर्डिंग टू मार्कोनी का प्रोडक्ट. सो फाइनली हम कह सकते हैं कि जब भी किसी हाइड्रोजन हैलाइड की किसी अनसिमेट्रिकल एल्कीन पे रिएक्शन करते हैं तो उस टाइम पे जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन होती है वो दो तरीके से हो सकती है, मार्कोनिकोफ एंड एंटी मार्कोनिकोफ. और मार्कोनिकोफ ये कहता है कि जब भी हम किसी हाइड्रोजन हैलाइड की किसी अनसिमेट्रिकल एल्कीन पे रिएक्शन करते हैं तो नेगेटिव पार्ट जो है रिएजेंट का वो ऑलवेज अनसिमेट्रिकल एल्कीन के उस कार्बन पे अटैक करता है जिसपे नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम होते हैं. इसलिए ये जो प्रोडक्ट है वो कितने अमाउंट पे बन रहा है, अप्रोक्सीमेटली 95% पे, और जो माइनर प्रोडक्ट है वो ओनली 5% पे आपको दिख रहा है. तो दिस इज मार्कोनिकोफ रूल. नाउ सिमिलरली एक और इसका रूल होता है जिसको हम बोल देते हैं एंटी मार्कोनिकोफ रूल. नाउ वी टॉक अबाउट एंटी मार्कोनिकोफ रूल. नाउ एंटी मार्कोनिकोफ रूल, एंटी मार्कोनिकोफ रूल. तो देखिए एंटी मार्कोनिकोफ रूल मार्कोनिकोफ रूल का जस्ट अपोजिट होता है, और इसी को एक और नाम से देते हैं जिसको हम बोलते हैं क्रॉस इफेक्ट. क्रॉस इफेक्ट एंड इट इज आल्सो नोन एज परोक्साइड इफेक्ट. एक और नाम से इसको देते हैं परोक्साइड इफेक्ट. एंटी मार्कोनिकोफ रूल एंड इट इज आल्सो नोन एज क्रॉस इफेक्ट एंड इट इज आल्सो नोन एज परोक्साइड इफेक्ट. ये तीनों नेम जो है कॉमन नेम होता है एक ही. तो क्या होता है सबसे पहले हम देखते हैं कि एंटी मार्कोनिकोफ रूल क्या कहता है. देखिए एट फर्स्ट दिस रूल इज आल्सो बेस्ड ऑन द रिएक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड विथ अनसिमेट्रिकल एल्कीन. जब हम क्या करते हैं किसी अनसिमेट्रिकल एल्कीन पे हाइड्रोजन हैलाइड की रिएक्शन करते हैं. अब हाइड्रोजन हैलाइड की रिएक्शन करने का मतलब जैसे हमने मार्कोनिकोफ में किया था सिमिलरली हम एंटी मार्कोनिकोफ में भी करेंगे. हमने कोई एक अनसिमेट्रिकल एल्कीन ले लिया CH3 CH double bond CH2, दिस इज अनसिमेट्रिकल एल्कीन. एंड व्हेन दिस अनसिमेट्रिकल एल्कीन रिएक्ट विथ, सपोज हम रिएक्शन करने जा रहे हैं इसकी HBr से, हाइड्रोजन हैलाइड में हम ले रहे हैं HBr, और ये जो पूरी की पूरी रिएक्शन होती है ये रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट की होती है, यानी एच न्यू की प्रेजेंस में रिएक्शन हम करते हैं. इसलिए इस रिएक्शन का नाम होता है परोक्साइड. और एक और चीज इसमें हम स्पेशली लेते हैं वो है आपका कोई परोक्साइड हम लेंगे जिसमें H2O2 टाइप का है, हाइड्रोजन परोक्साइड या कोई और भी परोक्साइड हम लेते हैं. बेसिकली इन दिस रिएक्शन वी कैन यूज अ परोक्साइड व्हिच इज नोन एज हाइड्रोजन परोक्साइड.
So in that case, it is also known as peroxide effect because this reaction takes place in the presence of peroxide. तो इसलिए इसका एक और नाम बोलते हैं peroxide effect. And it is also known as Kras effect because this reaction at first Kras ने इसको दिया था. So in that case, it is known as Kras effect. And in this case, एक product आपको मिलेगा. वो product बनता है आपका CH3, CH2. CH2Br and this product is obtained approximately 100%. ये product जो है completely 100% एक ही product आपको मिलता है और वो 100% आपको ये product मिलेगा. अब देखिए हो क्या रहा है. देखिए in this reaction कैसे आप explain करेंगे anti Markovnik rule को. वो ये है कि ये जो reagent है, reagent में Br is a negative part, इस पर partially negative charge होता है और hydrogen is partially positive charge. तो एंटी मार्कोनिकोफ ये कहता है कि ऑलवेज व्हेन अ हाइड्रोजन हैलाइड रिएक्ट विद अनसिमेट्रिकल एल्केन देन द नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट ऑलवेज अटैक टू दैट कार्बन ऑफ द अनसिमेट्रिकल एल्केन व्हिच हैविंग ग्रेटर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम. जबकि मार्कोनिकोफ में हमने कहा था कि हाइड्रोजन हैलाइड की अगर हम रिएक्शन करते हैं किसी अनसिमेट्रिकल एल्कीन पे तो नेगेटिव पार्ट जो होगा वो उस कार्बन पे अटैक करता है जहां पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम होते हैं. बट इन केस ऑफ दिस वन नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट इज ऑलवेज अटैक टू दैट कार्बन ऑफ द अनसिमेट्रिकल एल्कीन व्हिच कंटेनिंग ग्रेटर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम. तो ये जो Br नेगेटिव है वो अटैक कर रहा है इस कार्बन पे बिकॉज इसके पास अनसिमेट्रिकल एल्कीन के इस कार्बन के पास दो हाइड्रोजन है और इसके पास एक हाइड्रोजन है. तो इसलिए जो प्रोडक्ट है वो ऑलवेज कितने परसेंट पे बन रहा है आपका 100% प्रोडक्ट बनता है. नाउ अब देखिए जब इसकी मैकेनिज्म हम शो करते हैं दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड आल्सो इन द प्रेजेंस ऑफ परोक्साइड. तो जब भी ऐसी कंडीशन होती है किसी भी केमिकल रिएक्शन में तो वो रिएक्शन अकॉर्डिंग टू फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से होती है. और फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में क्या होता है देखिए जब हम इस पूरी रिएक्शन को देखते हैं तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म थ्री स्टेप्स की रिएक्शन होती है. यानी पूरी की पूरी जो केमिकल रिएक्शन होगी वो थ्री स्टेप में कंप्लीट होती है. तो सबसे पहला स्टेप होता है आपका इनिशिएशन स्टेप. इनिशिएशन स्टेप तो इनिशिएशन स्टेप में क्या होता है रिएक्शन इनिशिएट होती है और इनिशिएट करने के लिए हमारे पास कुछ सब्सटेंसेस होते हैं जो रिएक्शन को इनिशिएट करते हैं. बेसिकली हमने यहां पर लिया हुआ है HBr एज अ रिएजेंट एंड H2O2 एज अ इनिशिएटर. तो सबसे पहले क्या होता है कि ये जो HBr है या जो H2O2 हमने लिया हुआ है परोक्साइड इसमें होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज होगा और होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज से क्या होता है रेडिकल फॉर्मेशन होगी OH रेडिकल एंड OH रेडिकल टाइप में. सिमिलरली HBr का डिसोसिएशन होगा HBr इज ऑल्सो डिसोसिएट इन दियर रेडिकल्स एक H रेडिकल की फॉर्मेशन होगी एंड देन Br रेडिकल. तो इन द फर्स्ट स्टेप ये हमारे बन गए फ्री रेडिकल एंड दिस स्टेप इज इनिशिएशन स्टेप. नाउ इन द सेकंड स्टेप इसको जो बोलते हैं हम प्रोपगेशन स्टेप. प्रोपगेशन स्टेप एंड दिस स्टेप इज वेरी लार्ज स्टेप बिकॉज यहां पर क्या होता है कि रिएक्शन कंटिन्यूअस बढ़ती जाएगी. अब प्रोपगेशन स्टेप में क्या है कि जो इनिशिएशन स्टेप में रेडिकल आपकी फॉर्मेशन हुई है ये अटैक करते हैं आपका जो रिएक्टेंट हमने लिया हुआ है अनसिमेट्रिकल एल्कीन. तो जैसे ही हम इसकी रिएक्शन कराएंगे अनसिमेट्रिकल एल्कीन पे तो इस तरीके से आपकी रिएक्शन होगी CH3 CH डबल बॉन्ड CH2. तो सबसे पहले यहां पर रिएक्शन करता है H रेडिकल. तो H रेडिकल अब हमको कैसे अटैक करना है. हमने कहा कि जो नेगेटिव पार्ट है रिएजेंट का वो तो अटैक करना है जहां पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन ग्रेटर नंबर पे होंगे. तो इसका मतलब Br को इस कार्बन पे अटैक होना है और हाइड्रोजन को इस कार्बन पे अटैक होना है. तो इसके लिए सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा रेडिकल फॉर्मेशन करनी है. तो रेडिकल फॉर्मेशन के लिए कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का जो है बॉन्ड उसको डिसोसिएट करेंगे. एक CH रेडिकल बन गया एक CH2 रेडिकल. जैसे ही CH रेडिकल बना तो ये H रेडिकल इस पे रिएक्ट करके ये बना देगा आपका CH3 CH2 एंड CH2 रेडिकल. दिस इज 1 degree फ्री रेडिकल. इसको बोलते हैं 1 degree फ्री रेडिकल क्योंकि जिस कार्बन पर रेडिकल है वहां से एक एल्काइल ग्रुप आपका जुड़ा हुआ है तो इसलिए हमने इसको प्राइमरी फ्री रेडिकल बोला. तो सबसे पहले प्रोपेगेशन स्टेप में क्या होता है रेडिकल फॉर्मेशन हुई और साथ में आपका ये आपका 1 degree फ्री रेडिकल बन गया. अब क्या होता है देखिए जैसे ये 1 degree फ्री रेडिकल बना ये फर्दर रिएक्शन करेगा CH3 CH2 एंड देन CH2 रेडिकल. इसकी दोबारा से हम रिएक्शन करा देते हैं HBr के साथ क्योंकि ये प्रोपेगेशन स्टेप है और प्रोपेगेशन स्टेप में रिएक्शन कंटिन्यूअस रिपीट होती है. तो फिर जाके ये रिएक्शन कर रहा है HBr के साथ.
तो HBr के साथ क्या होगा, CH2 रेडिकल है तो हमको क्या है Br में भी रेडिकल लाना है, तो रेडिकल लाने के लिए हम H और Br के बीच के बॉन्ड को होमोलिटिकली डिसोसिएट करेंगे, एक रेडिकल हाइड्रोजन के पास आ गया, एक Br के पास, जैसे ही Br रेडिकल बना तो ये CH2 के साथ रिएक्शन करके, क्योंकि हाइड्रोजन फर्स्ट सिस्टम में रिएक्शन कर चुका है, अब यहां पर रिएक्शन होनी है Br रेडिकल की, तो ये बन गया CH3 CH2 देन CH2 Br, और अभी भी आपका क्या है एक H रेडिकल इस स्टेप में बचा हुआ है। तो प्रोपेगेशन स्टेप में क्या है, रेडिकल फॉर्मेशन बढ़ती जाएगी, तो अब हमको क्या करना है, फाइनली इस पूरी रिएक्शन को टर्मिनेट करना है, तो तीसरे स्टेप की हम हेल्प लेंगे जिसको आप बोल देते हैं टर्मिनेशन स्टेप। तो टर्मिनेशन स्टेप इज द लास्ट स्टेप ऑफ द फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, एंड इन दिस स्टेप अब हमको रिएक्शन को क्लोज करना है, तो रिएक्शन को क्लोज करने के लिए क्या है कि जहां पर भी कोई रेडिकल हमको मिल रहा है उस रेडिकल रेडिकल को हम कनेक्ट कर देंगे और फाइनली आपका रेडिकल फ्री उसको बना देना है। तो होगा क्या, सपोज हम OH रेडिकल की H रेडिकल से रिएक्शन कर दें तो ये H2, अब हमको रेडिकल नहीं मिलेगा इस सिस्टम में सारे के सारे, ऐसे ही OH रेडिकल को अगेन OH रेडिकल के साथ कनेक्ट कर दो तो ये आपका H2O2 बन जाएगा, ऐसे ही आपका ये था आपका CH3 CH2 एल्काइल रेडिकल 1 डिग्री वाला, इसकी एक और OH रेडिकल से रिएक्शन कर दें तो ये बना देगा आपका CH3 CH2 CH2 एंड देन OH। तो दिस इज द टर्मिनेशन स्टेप, तो टर्मिनेशन स्टेप इज द लास्ट स्टेप ऑफ रिएक्शन। तो ये हमको कहना है कि एंटी मार्कोनिकोफ रूल या एंटी मार्कोनिकोफ रूल इज आल्सो नोन एज परऑक्साइड इफेक्ट, इसलिए हम बोल रहे हैं क्योंकि ये पूरी की पूरी जो रिएक्शन होती है वो परऑक्साइड की प्रेजेंस में होती है, तो इसलिए इस पूरी रिएक्शन को हम बोल देते हैं परऑक्साइड इफेक्ट। तो अब ये मार्कोनिकोफ एंटी मार्कोनिकोफ के बीच में हम एक डिफरेंस निकाल सकते हैं कि ये पूरी की पूरी जो रूलिंग है ये अनसिमेट्रिकल एल्कीन की, अगर किसी हाइड्रोजन हैलाइड से हम रिएक्शन करते हैं तो उसके बेस पे हम इसको लेंगे। तो मार्कोनिकोफ क्या कहता है और एंटी मार्कोनिकोफ क्या कहता है ये हम डिस्कस कर चुके हैं। तो दिस इज केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एल्कीन्स। नाउ अनदर इंपॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन्स इज ओजोनोलिसिस। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन ऑफ एल्कीन्स। ओजोनोलिसिस मीन्स रिएक्शन विद ओजोन। Now the third reaction is ozonolysis. Ozonolysis means reaction with ozone. तो देखिए जो ozonolysis reaction है इसमें various types की हम ozonolysis reaction करते हैं alkenes पे। अब alkenes की different category हम लेंगे। Suppose आपके पास कोई एक normal alkene हम ले रहे हैं जिसमें CH3 CH डबल बॉन्ड CH एंड देन CH3, ये एक सिमेट्रिकल एल्कीन है जिसमें ब्यूटीन भी इसको हम बोल सकते हैं CH3 CH2 डबल बॉन्ड CH CH3। देखिए इस रिएक्शन के इस एल्कीन को अगर हम रिएक्ट करते हैं ओजोन से, ओजोन इज O3, और ये जो पूरी की पूरी रिएक्शन होती है ये एक तरीके से H2O की प्रेजेंस में भी हम कर सकते हैं, जिंक के साथ भी इसको रिएक्शन करते हैं, ये एक तरीके से कैटलिस्ट होते हैं। तो एनी एल्कीन व्हेन रिएक्ट विद ओजोन देन इट गिव्स करस्पोंडिंग एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। तो यानी कार्बोनिल कंपाउंड की फॉर्मेशन होती है एल्कीन की ओजोनोलिसिस से। तो एक नॉर्मल एल्कीन हम ले रहे हैं, अब कैसे प्रोडक्ट फॉर्मेशन होती है इसको हम इसकी मैकेनिज्म में देखते हैं। तो आप ये कहेंगे In case of ozonolysis of alkene, when any alkene reacts with ozone in the presence of water or zinc, then it gives corresponding aldehydes and ketones. Now the mechanism. Mechanism of the reaction. तो क्या होता देखिए, सबसे पहले ये जो alkene हमने ली हुई है इसका हम reaction करते हैं O3 के साथ। तो हम इस पूरे reactant को लिख लेंगे CH3 C H double bond CH3 and then H। अब हम इस O3 को भी ओपन करके लिखते हैं। O3 का जो स्ट्रक्चर होता है बेसिकली दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ओजोन। एक ओजोन पॉजिटिव चार्ज का होता है, एक रहता है नेगेटिव, इसके पास होंगे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। दिस इज द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होता है एक तरीके से O3, एक पॉजिटिवली चार्ज होगा एक नेगेटिवली चार्ज होगा, बाकी ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या होता है, यहां से बनता है प्राइमरी ओजोनोइड। जब भी ओजोनोलिसिस होती है एल्कीन की इन द फर्स्ट स्टेप प्राइमरी ओजोनोइड्स आर फॉर्मड। अब कैसे बनते हैं प्राइमरी ओजोनोइड्स उसको हमको देखना है। देखिए अब इस ओजोन को पूरा का पूरा एसोसिएट करना है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे, तो
तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस कार्बन कार्बन के बीच का जो डबल बॉन्ड है इसको डिसोसिएट करना है एट फर्स्ट। अब डिसोसिएशन इस तरीके से होगा कि ये ऑक्सीजन इस कार्बन पे अटैक करना है और इस ऑक्सीजन को इसके पास अटैक करना है, तो इस पर अपोजिट चार्ज आपको लाना है। तो अपोजिट चार्ज लाने के लिए इस पूरे एल्कीन्स के कार्बन कार्बन के बीच के बॉन्ड को हम तोड़ देते हैं इस नंबर ऑफ कार्बन के, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज मिल गया और इसके पास आ गया नेगेटिव चार्ज। जैसे ये पॉजिटिव चार्ज आया ये इस पर नेगेटिव के साथ रिएक्ट करेगा एंड दिस ये इसके साथ रिएक्शन करेगा, तो यहां से एक प्रोडक्ट बनेगा आपका ओजोनोइड, इसको बोलते हैं प्राइमरी ओजोनोइड। दो तरीके के ओजोनोइड बनते हैं इसमें, एक प्राइमरी ओजोनोइड बनेगा, एक आपका बनेगा सेकेंडरी ओजोनोइड। अभी देखिए ये कार्बन इस ऑक्सीजन के साथ जुड़ गया आपका, ऐसे इस कार्बन को इस ऑक्सीजन के साथ जोड़ना है एंड दिस इज अनदर ऑक्सीजन, तो ये जो है इसको बोला जाता है प्राइमरी ओजोनोइड। अब देखिए जो प्राइमरी ओजोनोइड है इसका रीअरेंजमेंट होता है, इसको बोलता है रीअरेंजमेंट रिएक्शन, रीअरेंजमेंट को डबल हेडेड एरो से दिखाएंगे। नाउ रीअरेंजमेंट ऑफ प्राइमरी ओजोनोइड, तो इससे एक नया ओजोनोइड बनता है जिसको बोलते हैं सेकेंडरी ओजोनोइड, और वो सेकेंडरी ओजोनोइड कैसे बनता है देखिए इसको हम यहां पर दिखा रहे हैं CH3CH। अब ये जो है जब ये सेकेंडरी ओजोनोइड में जाता है तो कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड डिसोसिएट होता है, यानी ये फ्लिपिंग होती है बॉन्ड की यहाँ पे, और इससे जो है एक इस तरीके का ओजोन बनता है ओजोनोइड्स, दिस इज सेकेंडरी ओजोनोइड, इसको बोला जाता है सेकेंडरी ओजोनोइड। तो प्राइमरी ओजोनोइड का जब रीअरेंजमेंट होता है तो इससे बनता है सेकेंडरी ओजोनोइड, और जब सेकेंडरी ओजोनोइड बनता है तो ये कार्बन कार्बन के बीच का सिंगल बॉन्ड डिसोसिएट होगा और ये पूरा का पूरा बॉन्ड फ्लिपिंग के बाद इस तरीके से ये फॉर्मेशन होती है प्रोडक्ट की, जिसको सेकेंडरी ओजोनोइड बोलेंगे। अब इस सेकेंडरी ओजोनोइड की फाइनली हम रिएक्शन करते हैं वाटर या जिंक के साथ, तो सबसे पहले हम एक वाटर से रिएक्शन करते हैं किसी से भी, तो क्या होगा जब वाटर रिएक्शन होता है तो यहां पर साइमल्टेनियस बॉन्ड क्लीवेज होता है, साइमल्टेनियस बॉन्ड क्लीवेज जो है वो इस तरीके से होता है, एक कार्बन ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड टूटता है और साथ में ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड टूटेगा, ऐसे इस कार्बन ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड टूटेगा और साथ में ये वाला बॉन्ड भी आपका ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड डिसोसिएशन, यानी थ्री बॉन्ड्स एक साथ डिसोसिएशन हो रहे हैं और इसकी रिएक्शन हम कर रहे हैं किसके साथ H2O के साथ। तो कैसे बॉन्ड टूटता है देखिए, सबसे पहले ये कार्बन ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड टूट गया, जैसे कार्बन ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड डिसोसिएट होगा तो कार्बन पॉजिटिवली चार्ज बनेगा और ऑक्सीजन पर कैसे चार्ज आ गया आपका नेगेटिव। अब ये जब बॉन्ड टूटा इस कार्बन पर चार्ज क्या है पॉजिटिव, तो इसके एडजेसेंट पे हमको नेगेटिव चार्ज चाहिए, तो नेगेटिव लाने के लिए ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड टूट गया ऑक्सीजन की ओर, तो यहां पर चार्ज आ गया नेगेटिव और इस पर चार्ज आ गया पॉजिटिव। अब देखिए इतना पूरा एक पार्ट अलग हो गया आपका, और इस पार्ट के अलग होने का मतलब ये बन गया आपका CH3 देन C एंड देन H एंड कार्बन ऑक्सीजन में एडजेसेंट पोजीशन पे अपोजिट चार्ज आ रहा है, इट मींस डबल बॉन्ड O, दिस इज एल्डिहाइड, एक तो एल्डिहाइड का मॉलिक्यूल यहां से बन गया। नाउ एक और रिएक्शन प्रोडक्ट इसमें फॉर्मेशन हो रही है जिसमें अब ये जब बॉन्ड टूटा ऑक्सीजन इस पर कैसा चार्ज था इस पर नेगेटिव, अब इसको पॉजिटिव चार्ज लाना है, तो पॉजिटिव चार्ज लाने के लिए इसके अपोजिट बॉन्ड तोड़ना है आपको, ये नेगेटिव बन गया इसके एडजेसेंट पे पॉजिटिव है, यानी इस पर ऑलरेडी नेगेटिव था यहां से पॉजिटिव आने का मतलब ये न्यूट्रल हो गया और H2O के साथ रिएक्शन करके ये बना देता है फाइनली H2O2, यानी ये बाय प्रोडक्ट के फॉर्म पे बाहर हो गया H2O और ऑक्सीजन मिलके, बाकी जो दूसरा प्रोडक्ट बन रहा है वो ये बनकर आपका CH3CH OH, यानी टू मॉलिक्यूल्स ऑफ एल्डिहाइड, तो ये बन गया आपके एल्डिहाइड। तो फाइनली आपको ये कहना है एल्कीन्स का जब ओजोनोलिसिस हम करते हैं तो उसके एजोलिसिस से बनता है एल्डिहाइड्स या कीटोन्स, और ये डिपेंड करेगा कि किस तरीके के एल्कीन्स को हम ले रहे हैं, तो दिस इज ओजोनोलिसिस रिएक्शन।